Hi everyone, welcome back to the new vlog. So today vlog is all about on the monuments of Pakistan. Monuments of Pakistan's main yadgar Pakistan. इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 2004 से स्टार्ट हो गई और 2006 में मुकम्मल हो गई और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है जो नमूना है उसको डिज़ाइन किया है आरिफ मसूद ने। अच्छा, जैसे ही आप इंटर होते जाएंगे ना मॉन्यूमेंट्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपको कुछ हाथों के निशानात नज़र आएंगे। ये उन लोगों के हाथों के निशानात है जिन लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लिया, तो एक यादगार के तौर पर उनके हाथों के निशानात इधर लगाए हुए हैं। ऑफ पाकिस्तान को इस तरह बनाया हुआ है कि मतलब ये एक किला हुआ फ्लावर है। किला हुआ फ्लावर मतलब खुला हुआ फूल जो सुबह के टाइम होता है, तो इसको इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है। इसके जो चार बड़े जो पिलर्स है वो हमारे सूबों को, पाकिस्तान के सूबों को रिप्रेजेंट करते हैं। KPK हो गया, सूबे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, और जो छोटे छोटे पिलर्स है वो हमारे ट्रिबल्स एरिया, आज़ाद कश्मीर और ये गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये जो काला पत्थर है ना दरमियान में, ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिन लोगों ने इस वतन के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है, जिन लोगों ने अपना आज आने वाले कल के लिए कुर्बान कर दिया। ये उन लोगों को हराज तहसीन पेश करता है, ये उनके लिए बनाया गया है। इस पे छोटे छोटे स्टार भी बनाए हुए हैं, ब्लैक कलर का है और काफ़ी शाइनिंग पत्थर है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री तो बता रहे हैं और बाकी कुछ नहीं बता रहा कि ये यादगार पाकिस्तान बनाया क्यों है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ पाकिस्तान बनाया क्यों है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि जो यादगार पाकिस्तान इसलिए बनाया हुआ है, ये उन लोगों को खराज तहसीन के तौर पर पेश किया हुआ है, उन लोगों को डेडिकेट किया हुआ है जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों ने अपना आज आने वाले कल के लिए कुर्बान। अच्छा, ये नीचे जो चार पिलर बने हुए हैं इस पर पाकिस्तान का मोटो लगा हुआ है जिस पर है ईमान, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त। तो ये भी काफ़ी मोटिवेशनल है और पिलर पर लगाया हुआ है, तो जब लोग आते तो उससे काफ़ी मोटिवेट होते हैं। अच्छा, यादगार पाकिस्तान के साइड पे इधर आके एक म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है जिसमें काफ़ी चीज़ें रखी हुई है जो उस टाइम के लोग यूज़ करते थे, उस टाइम के जितने हमारे बड़े अकाबरीन थे उन लोगों ने जितनी कुर्बानियाँ दी है, वो किस उनका रहन सहन किस तरह था, वो किस तरह रहते थे, वो क्या यूज़ करते थे, उनके यूज़ की चीज़ें भी रखी हुई है। और बाकी भी अदम के मुजस्मा बनाया हुआ है, गांधी जी जो हमारे इंडिया के है उसका भी मुजस्मा बनाया हुआ है, बाकी अलामा इकबाल का मुजस्मा है, काफ़ी बंदों का, और उसके साथ साथ हिस्ट्री भी बनाए हुए। ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी इधर की कि मतलब उसके साथ बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये वो अला मुजस्मा है जो खुतबा इलाहाबाद अलामा इकबाल ने दिया था 1930 में। ये वो चीज़ें हैं जो उस टाइम हमारे लीडर्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, ये उनके इस्तेमाल की चीज़ें जो वुडन से बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है, इसको आज भी इस म्यूज़ियम में महफूज किया हुआ है। ये टेबल भी है, बुक्स भी रखे हुए, उनके पिक्चर्स भी लगाए हुए हैं। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर महफूज की गई है एक यादगार के तौर पर ताकि उनकी निशानियाँ हमारे पास रहे। वो तो नहीं रहेंगे, हमारे कौमी हीरोज़ थे, हमारे लीडर्स थे, वो तो नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी यादें हमारे जहनों में ताज़ा रहे। इस वजह से उनके निशानात वगैरह सारी मतलब जिनके यूज़ की सारी चीज़ें वो यहाँ पर रखी की गई है। यहाँ पर भी कायद आज़म के जो इस्तेमाल की ट्रंक है और वुडन बॉक्स है वो रखा हुआ है, और शेरवानी जो वो इस्तेमाल करते थे, जो अक्सर हम ज़्यादातर पिक्चर्स वगैरह में देखते भी हैं, वो चीज़ें रखी हुई है, सोफ़ा वगैरह, शेरवानियाँ, ट्रंक्स और वुडन बॉक्स, वुडन की ज़्यादातर चीज़ें पुराने जो वुडन से बनी हुई है, सारी चीज़ें वहाँ वुडन की ये तरफ महफूज की गई है। म्यूजियम पे एक ऑडिटोरियम रूम भी है जिसमें लेक्चर्स वगैरह देते थे उस टाइम ज़माने का, जिस तरह ऑडिटोरियम रूम होता था और लेक्चर्स वगैरह जिस तरह देते थे, तो अभी भी इधर एक लेक्चर चल रही है कायदे आज़म के बारे में बता रहे हैं। इस तरह कुर्सियाँ लगी हुई है आप देख सकते हैं, और सामने स्क्रीन लगा हुआ है, वही मंजरकशी कर रही है उस टाइम किस तरह होता था, किस तरह नहीं होता था, और क्या बयानात दिए वो सारे इधर, मतलब अगर किसी को पता नहीं होता तो इधर मतलब सारी चीज़ें बता रहे, ये हुआ था, ये उस टाइम ये मसाइल आए थे, सारी चीज़ें बता रहे इस मतलब स्क्रीन में भी दिखा रहे, और साथ साथ स्पीकर लगे हुए, आपको आवाज़ आ रही होगी।
यहाँ पर अलग-अलग पोर्शन बने हुए हैं, स्ट्रगल ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि मतलब क्या क्या हुआ था। तो अभी हम ये दूसरे पोर्शन में आए हैं, इसको इसका नाम है स्ट्रगल, मतलब उस दौर में जो स्ट्रगल हुआ था वो किस तरह हुआ था उसकी मंजरकशी बयान की गई है यहाँ पर। ये 3 जून 1947 का जो मंसूबा बनाया गया था, जो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि हिंदुस्तान को दो जुदागाना रियासतों में तकसीम कर दिया जाए, मीन हिंदुस्तान को अलहदा, भारत जो अभी है फ़िलहाल, और पाकिस्तान को अलहदा कर दिया जाए, क्योंकि इनके नज़रियात तौर तरीके एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो वो इसकी मंजरकशी की गई है, ये कादी आज़म बैठे हुए हैं और सारे लॉर्ड माउंटबेटन बैठे हुए हैं। इस 3 जून 1947 के जो मशावरात थे वो इस तरह तय किए गए थे, उसकी मंजरकशी की गई है यहाँ पर। अच्छा, एक ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ मुझे मिली है, ये जो पुराने ज़माने में जिस तरह खाना बनाते थे, आटा गूंथते थे, और खाना किस तरह बनता था, लकड़ी पे बनता था, ये सारी चीज़ें रखी हुई है। इंडिपेंडेंस डे, ये इसका भी अलग पोर्शन बना हुआ है, मतलब जिस आज़ादी हो गई तो उसकी भी मंजरकशी बयान की गई है। तो ये जो आप परचम देख रहे हैं जिसके हाथ में, ये है लियाकत अली खान। ये जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो उस टाइम जब पहला परचम पाकिस्तान का परचम लहराया गया, तो उसकी मंजरकशी बयान की गई है, उसको बयान किया गया है। तो पाकिस्तान का फ्लैग जब लहराया गया, तो वो पहला शख्स जो था वो था लियाकत अली खान। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली जब हुई, तो इस तरह फातिमा जिन्ना, कादी आज़म और सारे बैठे हुए थे। तो इसका भी एक खूबसूरत सा मुजस्मे बनाकर इधर पेश किए गए हैं।